हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीसाइक्लिस्ट। सो आज मैं सिखाने वाला हूँ कैसे गियर्स चेंजिंग करता है इन ए राइट वे और इन ईजी वे। मैं दिखाता हूँ। ये शिफ्टर है, इसको बोलते हैं शिफ्टर। 7 स्पीड का है ये, 7। ये बैक साइड का है 7, जैसा ये 1 2 3 4 5 6 7। और ये रहा लेफ्ट साइड का, 3 स्पीड का है। ये फ्रंट का गियर है, आप देख सकते हो। तो ये रहा 1 2 and 3, और यहाँ पे भी 1 2 and 3। सो अभी ये हाई स्पीड में नंबर 7 में आप देख सकते हो ये रेड डॉट, इससे लो हो जाएगा। इसमें लो लिखा हुआ रहता है, इससे थम से आप लो करेगा। जैसा 7 में है 6 5 4 3 2 1 ना, फिर इससे फिंगर से जैसे 2 3 4 5 6 and 7, इससे हाई हो जाता है, इससे लो हो जाता है। और इसका ऑपोजिट होगा ये 3 स्पीड का जो फ्रंट गियर था, इसमें ये वाला जैसा लो है, ये वाला हाई है। आप देख सकते हो इसमें भी लिखा हुआ रहता है हाई, इससे जैसा 2 और 3 ना, इससे फिर 2 and 1, इससे लो हो जाएगा, इससे हाई हो जाएगा। जैसा इससे लो इससे हाई, इसमें लिखा हुआ रहेगा, आप टेंशन नहीं है। ये लो लिखा हुआ है और ये वाला हाई हो जाता है। आपको अगर हिली एरिया में जाना है तो आपको ये लो गियर करना पड़ेगा। जैसा मैं दिखा देता हूँ अभी, अभी ये 1 में आ गया, आप देख सकते हो ये रेड वाला डॉट भी 1 में आ गया। तो अभी वो हिली एरिया में सबसे बेस्ट होगा। फ्रंट में तो 1 होना चाहिए, जैसा ये रेड डॉट 1 में है। जब आप हिली एरिया चढ़ाई में जाओगे आप, तो ये 1 में होना चाहिए और ये भी 1 में होना चाहिए, तब जाके आप कंफर्ट मिलेगा और हिली एरिया में चढ़ सकते हैं आप। और फिर से इससे आप हाई हो जाएगा, जैसा पेडल घुराता है अभी, सबसे छोटा वाला जो है 7 नंबर का है। तो ये हाई स्पीड हो गया। आप अभी ये रेड डॉट जो है वो 7 में आ चुका है, आप देख सकते हो। और ये आपको अगर स्पीड चाहिए, अभी ये तो चौराहे का दिखा दिया, अभी प्लेन रास्ता में ना, फ्लैट रास्ता में आपको अगर स्पीड चाहिए, ये फ्रंट का गियर यूज़ करता है, आप देख सकते हो। अभी तो 1 में है, पेडल घुराएगा, नंबर टू में आ गया, ये रेड डॉट भी नंबर 2 में आ गया, फिर अभी नंबर 3 में आ गया, आप देख सकते हो ये रहा नंबर 3 ना। अब ये रेड डॉट भी नंबर 3 में आ गया, फिर से इससे लो हो जाएगा, नंबर 2 में चला गया, अभी फिर से नंबर 1 में चला गया। आप देख सकते हो अभी ये रेड डॉट जो है वो नंबर 1 में आ गया। अगर आपको स्पीड चाहिए तो 2 and 3, और अगर लो क्या प्लेन हिली एरिया में जाना है तो आपको नंबर 1, और यहाँ पे भी आपको नंबर 1 चलाना है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कौन सा गियर्स आपको अवॉइड करना चाहिए वॉल राइडिंग ना। इसमें जैसा 1 में है और इसमें 3 में है, ये कॉम्बिनेशन करना नहीं चाहिए, नहीं तो डिरेलर टूट सकता है। आप देख सकते, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं अभी। ये फ्रंट में ये जो था फ्रंट में है नंबर 3, बैक साइड में है नंबर 1। आप देख सकते हो डिरेलर का हालत कैसे हो गया, पूरा बैंड हो गया ये ना। ऐसा करने नहीं चाहिए, ऐसे अगर चलाएगा तो आपका ये डिरेलर टूट सकता है, और आपका ये फ्री व्हील भी जल्दी खींच जाएगा ना, चेन भी टूट सकता है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंड हो गया, आप चलाने में बहुत प्रॉब्लम देगा। अभी ऐसा चलाना नहीं चाहिए, आप देख सकते हो डिरेलर का हालत पूरा यहाँ तक आ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए, 1 राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में नंबर 3, ये अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल बी साइक्लिस्ट बी फिट।
बी हेल्दी एंड बी साइक्लिस्ट. थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम.